स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल टर किंग पे। तो सबसे पहले आप इस फोटो को लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप उसे पिक्सआर्ट में ओपन कर लेंगे और एक फ़ोटो को आप क्रॉप कर लेंगे, जो मतलब मॉडल को आप उसको सेट करना है यहाँ पर अपने फ़ोटो को। फिर उसको क्या करें कि क्रॉप करने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे फ़ोटो एडिट करते हैं। बैकग्राउंड इरेज करने के लिए तरीका मैंने बता रखा है, वो भी HD में। उसको आप देख कर सीख सकते हैं कि कितना क्लियर आप कर सकते हैं इरेज उसको। आप फिर इसके बाद फोटो को सिलेक्ट करके फिर इसके बाद इरेज पर क्लिक करें। इरेज करके साइज को थोड़ा सा बढ़ा कर देंगे, ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर लेंगे ताकि हल्का हल्का आपका इरेज हो। फिर ओपेसिटी बढ़ाकर हार्डनेस बढ़ाकर थोड़ा नीचे से हटा लेंगे, नीचे का दिखे नहीं, डार्कनेस में चला जाए। फिर उसको सेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इरेज में जैसे कर रहा हूँ आप भी वैसे ही कर लें। फिर उसको ओपेसिटी थोड़ा सा घटाकर फिर देखें यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, जूम करके अपने कपड़े को सही कर सकते हैं। फिर उसके बाद हल्का उसमें इरेज मार देंगे, फिर यहाँ पर इरेज मार लेंगे। इरेज मार कर सेट कर सेव कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सेव कर लिया है। सेव करने के बाद क्या करेंगे कि ऐड फोटो फिर करेंगे। ऐड फोटो करने के बाद इस बैकग्राउंड को लगा देंगे साइड, इसको ऊपर से लगाएंगे ताकि लगे कि सनसेट आ रहा है आपके फेस पर। फेस पर क्या पूरा इफेक्ट में आना चाहिए, तो इसको जूम कर लेंगे। जूम करके इसको ब्लेंडिंग पर जाके स्क्रीन कर ओपेसिटी को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए तो मैंने तो 70 पर रखा है, आप भी अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा जिससे लग रहा है कि हम फेस पर इफेक्ट परफेक्ट आ रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे कि फिर एक बार ये और अभी चेंजिंग मैंने नीचे डाउनलोड करने के लिए दे रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के माध्यम से। इसको भी फोटो पर पूरा सेट कर लेंगे जूम करके बड़ा करके। फिर क्या करेंगे, फेस पर भी ज़्यादा ये हो जा रहा है डार्कनेस, तो आप हटा सकते हैं। हटाने के लिए फिर उसको साइज बढ़ाकर ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर लेंगे, हल्का हल्का इरेज कर लेंगे हैंड पर भी, ऐसे ही फेस पर भी। दोनों जगह देख रहे हैं कि मैंने पूरा एडिट कर लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ज़्यादा हट जाए तो फिर उसको टूल के माध्यम से वापस उसको लगा सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, सेट करने के लिए ऐसे ही बस आपको सेट करना है। फिर सेट कर लेंगे, सेट करके फिर वहाँ पर सेव कर लेंगे, सेव बटन पर क्लिक करें। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऐसे ही मतलब एडिटिंग सीखने के लिए क्लिक द बेल अकाउंट की, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये भी आपको मैंने PNG फोटो दे रखा है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसको ओपेसिटी थोड़ा कम कर लेंगे और एड फोटो कर उसके बाद यहाँ पर से आप इरेज करेंगे। ओपेसिटी इसलिए कम कर रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंट टाइप में मुझे दिखे कि कहाँ से मुझे इरेज करना है फ़ोटो को। हैंड पर से भी यहाँ पर मैं एडिट कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। इरेज करने के लिए पूरा परफेक्टली इरेज कर लेंगे। यहाँ पर आप जूम करके जितना अच्छा सा आप इरेज करेंगे उतना ही अच्छा आपका आउटपुट आएगा बाहर, तो फोटो अच्छा सा अच्छा HD निकलेगा। फिर यहाँ से भी साइड से ही इरेज कर सकते हैं, फिर इधर भी साइड से इरेज कर लेंगे। और प्लीज़ गाइस और पसंद है तो लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों से भी शेयर कर लें। वैसे ही मैं हमेशा एडिटिंग बनाता रहता हूँ। हाँ, बहुत टाइम बाद मैंने ये एडिटिंग लगाया, लगभग पिछले साल ही मैंने डाला था 2019 में, और 2020 में मैंने पहला ये एडिटिंग डाला है। और यहाँ पर से भी इरेज कर लेंगे शर्ट के पास से मैसेज आ गया। फिर उसके बाद वैसे ही जूम करके देख लेंगे परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। यहाँ से हल्का सा सेट का ओपेसिटी अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, मैं तो 70 के आसपास ही रखता हूँ ज़्यादा। फिर आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, मैं 40 पर यहाँ पर इस बार कर देता हूँ। उसके बाद सेव कर देता हूँ डन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐड फोटो। ऐड फोटो करने के बाद क्रिएटिव वाला PNG आप ले लेंगे, उसको अपने हेड के ऊपर लगा देंगे कि क्रिएटिव माइंड आपका शो हो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। और हाँ, ड्रॉ टूल में आप एकदम HD सेव कर सकते हैं। पहले इसको ओके कर लेंगे, फिर नीचे जाएंगे ड्रॉ टूल में ड्रॉ, फिर 3D में सेव इमेज। फिर उसी फोटो को लाइटरूम ओपन करने के बाद यहाँ पर कैमरा के बाद रिमूव करो लेंस प्रोफाइल कर निकॉन पर यहाँ पर आप सेट कर लेंगे। निकॉन पर यहाँ पर आप लेंस में जाकर सेट कर लेंगे, जैसे मैंने अभी सेट किया। अगर तेज हो तो आप स्लो करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कलर में जाएंगे, फिर मिक्स में जाएंगे। मिक्स पर जाने के बाद क्या करेंगे कि मैं अपने कलर सेट कर रहा हूँ रेड वाला को थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रेड अगर दूसरे कलर में दिखे तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ग्रीन वाले को 40- और 30- लुमिनस कर लेंगे अपने हिसाब से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑरेंज वाले को थोड़ा सा 15 लुमिनस बढ़ा देंगे, सेचुरेशन को 30- कर लेंगे, 20 ऑरेंज नहीं 1 पर ऑरेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आसमानी कलर जो है स्काई कलर को 34- कर लेंगे लुमिनस, और हुई को 24- कर लेंगे। फिर यहाँ से आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से विंटेज को माइनस थोड़ा सा कर लेंगे, क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। यहाँ पर आप ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देंगे, देखते हैं परफेक्ट आ रहा है नहीं। ग्रेन अमाउंट से ये होता है कि क्वालिटी जो होता है लगता है कि तुम HD आपका DSLR फोटो क्लिक किया, तो इसलिए थोड़ा सा डॉटेड आता है उसमें, बट वो लिंक क्वालिटी आपका बहुत बेहतर हो जाता है। वहाँ पर अपने हिसाब से रफनेस देख लेंगे कितना परफेक्ट हो रहा है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज़्यादा ग्रेन अमाउंट है, थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, यहाँ पर 10 पर लाकर छोड़ देता हूँ।
फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे, ऊपर यहाँ पर थ्री वाला जो है, थ्री तीन कोन जो बना हुआ है, उसमें नॉइज रेडिएशन बढ़ा लेंगे, कलर नॉइज रेडिएशन को भी बढ़ा लेंगे, स्मूथनेस को 50 पर ही रहने देंगे। और यहाँ पर आप डिटेल उटेल बढ़ाकर सेव कर सकते हैं। और ऐसे मस्त एडिटिंग सीखने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक कर दें।